रमज़ान बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है फ्रेंड्स। आज से हमारी रमज़ान स्पेशल सीरीज स्टार्ट होती है और इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी खास रेसिपीज जो कि आप कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बिल्कुल आसान तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए बना सके, फटाफट से बन जाएगी ये रेसिपीज, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी होगी। इफ्तार स्पेशल रेसिपीज जो कि इफ्तार में आप रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हिना और आप देख रहे हो एचकेआई किचन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं रमज़ान स्पेशल रेसिपी जो कि इफ्तार में आप ट्राई कर सकते हो, रशियन कबाब फिंगर्स, चिकन रशियन कबाब फिंगर्स। रशियन कबाब तो आप लोगों ने खाई ही होंगे तो कुछ यूनिक ट्राई करेंगे आज। तो फिंगर्स हम बनाएंगे, बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे, वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो आराम से 10 से 15 दिन तक। चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए ना मैंने एक फ्राई पैन रख दिया था गैस पर, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर थोड़ा सा गरम कर लिया था। तेल जैसे गरम होता है फ्लेम को लो करके 1 टीस्पून जीरा डाल दिया था। जीरा जैसे सोटे हो जाता है इसमें हम ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज की प्याज जो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है देखिए, और इसे भी हम थोड़ा सा सोटे करेंगे, हल्का इसे सॉफ्ट करना है हमें, इतना हम इसे पकाएंगे देखिए, फटाफट से हो भी जाएगी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ वेजिटेबल्स, ज़्यादा वेजिटेबल्स मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने लिया है 2 गाजर लिया था, उसे इस तरीके से खींचने से खींच लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, कट नहीं किया है। और उसी के साथ 2 शिमला मिर्च को मैंने बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड करके थोड़ा सा मैंने भून लिया है 2 मिनट तक। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मैदा 1 कप के करीब जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि जब रशियन कबाब बनाए जाते हैं ना तो उसमें ये सब चीज़ें पड़ती है। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में मैं बता रही हूँ आप लोगों को ये रेसिपी, तो देखिए एंड तक पूरा वॉच करना है, बहुत ही ईजी है। इसे भी मैंने भून लिया है 2 से 3 मिनट तक। अब यहाँ पर मैंने 1 कप इसमें ऐड कर दिया है चिकन सोक, मतलब चिकन जो बॉईल किया था उसका जो पानी बचा हुआ है ना तो वो मैंने ऐड कर दिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे, भून लेंगे लो फ्लेम पर जैसे कि आप देख सकते हैं। मैदा हमने इसमें डाला है तो ये गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है चिकन, तो चिकन को मैंने बॉईल करके रखा था पहले से और शेड भी कर लिया है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च डालकर। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च भी ली है, कट करके इसमें ऐड कर दिया है, और 2 आलू मैंने लिया था उसे बॉईल करके ग्रेड कर लिया था, और इसे भी मैंने ऐड कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अच्छे से सब चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स जैसे कि आप देख रहे हैं, अच्छे से मिक्स करना है। अभी तक हमने इसमें कुछ भी स्पाइसेस मतलब मसाले नहीं ऐड किए हैं। तो अब इसमें जाएगा 1 मीडियम साइज़ की प्याज फिर से हम डालेंगे, क्योंकि ये क्रंची बनेंगे थोड़े से स्टेज पर डालने के बाद, और थोड़े से फ्रेश हरे धनिया के पत्ते कट करके ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ही मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर मैंने डाला है चिकन मसाला जो आता है वो ऐड कर दिया है, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। तो नमक देखिए हिसाब से डालना है, क्योंकि ना हमने चिकन में भी नमक डाला था वो हिसाब से हम नमक ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर ये जो हमारी फिलिंग है बनके रेडी हो गई है। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है। इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे साइड में। अब यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेंड्स 2 अंडे, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर 1 चुटकी ऐड कर देंगे, और अच्छे से इसे बीट कर लेंगे जैसे कि देख रहे हैं आप, अच्छे से बीट करना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है साइड में जो सेवैया आती है ना, क्योंकि रशियन कबाब हम बना रहे हैं सेवैयों से ही बनती है, मतलब सेवैयों से उसकी कोटिंग की जाती है, तो सेवैयों को मैंने बारीक बारीक हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर हमने जो चिकन का बनाकर रखा है उसके इस तरीके से बॉल बनाकर इस तरीके से फिंगर्स बना लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। हमारी जो फिंगर होती है ना हाथों की, उससे वही साइज की मतलब आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे बन गया है, अंडे में डालकर डीप कर लेंगे अच्छे से, फिर हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स नहीं सेवैयों में हम इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छे से इसे भी कोटिंग कर लेंगे, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो सेवैयों की कोटिंग मैंने कर ली है, अब इसे हम रख देंगे साइड में, और जितने भी चिकन फिंगर्स हैं हम इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए बहुत ही आसानी से ये बन भी जाता है, फटाफट से हम बना लेंगे जितने भी है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है इफ्तार के लिए। और इस स्टेज पर आने के बाद ना देखिए, अब जैसे कि मैंने बना लिया है सब, तो इस स्टेज पर आने के बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर आपके पास होगा उसमें इसको ऐड करना है, लेकिन बीच में ना एक पॉलीथीन बैग जरूर रखना है या बटर पेपर जरूर रखना है ताकि एक दूसरे को चिपके ना। अब यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए पहले से ही, तेल जैसे गर्म होता है फ्लेम को लो कर देंगे, लो फ्लेम पर हम इसे आराम से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे, बीच में स्पेस रखना है एक दूसरे को चिपके ना ताकि ये।
और लो फ्लेम पर हम इसे आराम से होने देंगे। जैसे एक साइड से हो जाता है हम स्पून से इसे पलट देंगे, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, तो बहुत ही फटाफट से फ्राई भी हो जाती है सेवैया, क्योंकि हमने इसको कोटिंग की है फिंगर्स को, तो फटाफट से हो जाती है। देखिए लो फ्लेम पर आप इसे फ्राई करोगे ना तो जलेगी नहीं, आराम से हो जाएगी क्रिस्पी। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से चिकन फिंगर कबाब बन के रेडी हो गए है। तो अब हम बनाएंगे चिकन समोसा। तो इस चिकन समोसे को ना हम होममेड शीट के साथ बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो खस्ता समोसा आज हम बनाएंगे चिकन की फिलिंग भर के। तो इसे भी आप रमज़ान में अफ्तार के वक्त ट्राई कर सकते हैं। देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट, यहाँ पे समोसा बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खस्ता समोसा बनाने के लिए ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम मतलब कि पाव केजी मैदा। मैदे को बहुत ही अच्छे से छान लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब अजवाइन। तो अजवाइन का जो फ्लेवर आता है ना, बड़े ही मज़े का लगता है समोसे में। इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है अच्छे से। सब दोनों चीज़ों को देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर एक टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि समोसे को बहुत ही खस्ता बनाती है, सीक्रेट टिप है, ज़रूर वॉच करना है ध्यान से। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के करीब मेल्टेड घी, या आप चाहे तो ऑयल का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो खस्ता समोसा बनता है ना, जो मार्केट वाला बनता है हलवाई स्टाइल में, तो यही बस सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें पड़ता है, जो कि है मेल्टेड घी या ऑयल। इसमें डालिए और थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, अच्छे से मिक्स करना है। देखिए थोड़ा सा अगर कम पड़ने लगेगा तो थोड़ा सा और डालना है और फिर से इसको मिक्स करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हाथों से जब हम इसे प्रेस करेंगे ना फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जम जाना चाहिए, देखिए लड्डू बन जाना चाहिए जब हाथों से प्रेस करेंगे। मतलब यहाँ पर परफेक्ट हमारा जो आटा बनके रेडी हो गया है समोसे के लिए। अब इस स्टेज पर आने के बाद ना थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सख्त आटा गूंदना है। ये सीक्रेट दूसरी टिप्स मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। जब भी हम समोसे का आटा गूंदेंगे ना, तो सख्त गूंदना है, रोटी की तरह सॉफ्ट नहीं गूंदना है। तो अब इसे हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे, तब तक समोसे की फिलिंग हम रेडी करेंगे। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल जैसे ही गरम होता है फ्लेम को हम कर देंगे लो। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने इस तरीके से कट करके ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसे सॉटे करेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। कुछ वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें कि 1 कप मैंने लिया है कैरेट, इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। देखिए अब यहाँ पर 1 कप ही मैंने लिया है कैप्सिकम, इसे भी इस तरीके से पतला और लंबा कट करना है हमें, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब ही कैबेज, तो कैबेज को थोड़ा सा एंड में डालना है, क्योंकि कैबेज हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब बॉइल्ड चिकन, चिकन को मैंने बॉइल किया था, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर, तो ये बहुत ही अच्छे से बॉइल हो जाता है, इसे श्रेड कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें कि 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है। ये याद रखना है कि हमने चिकन में भी नमक डाला है तो सोच समझ के डालना है। उस सॉस इसमें ऐड करेंगे, जिसमें कि 1 टीस्पून हम ऐड कर देंगे वेनेगर, व्हाइट वेनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून के करीब भी टोमेटो केचप जो होता है वो ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे देखिए हमारी फिलिंग बनके रेडी हो गई है। अब इसे हम निकाल देंगे एक बाउल में। तो चलिए समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। डो हमारा पहले से ही रेडी था, बहुत ही अच्छे से सेट भी हो गया है। तो इस तरीके से मैंने ना इसे राउंड शेप दे दिया है, और नाइफ की हेल्प से मैं इसकी लोइयां बनाऊंगी, सेम साइज़ की बनाऊंगी। इस तरीके से हम कट करके बनाते हैं ना, तो सेम साइज़ के ही हमारे समोसे भी बनेंगे। तो हाथों से इसको राउंड शेप दे देंगे और इसकी एक रोटी बेल लेंगे। तो ये क्योंकि ये मैदा है ना, तो आप जितना इसको स्ट्रेच करोगे उतना ये हो जाएगा। तो पतली रोटी बेलनी है, देखिए बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है, तो पतली रोटी हम बेलेंगे इसकी। और देखिए यहाँ पे रोटी मैंने बेल ली है, बीच में से हम नाइफ की हेल्प से कट लगा देंगे, ताकि 2 हिस्से हो जाए इसके, और इसमें 2 समोसे बनेंगे। तो 1 हिस्सा हम उठा लेंगे देखिए इस तरीके से, और पानी इसके किनारों पे हम लगा देंगे। वीडियो को ध्यान से देखना है किस तरीके से मैं समोसे की फोल्डिंग कर रही हूँ। तो पानी मैंने लगा दिया है इसके किनारे पर, अब इसे हम फोल्ड कर देंगे, आसानी से स्टिक भी हो जाता है। देखिए इस साइड से हम इसे फोल्ड कर देंगे, दूसरे साइड से भी फोल्ड कर देंगे, और हाथों से इस तरीके से प्रेस कर देंगे, ताकि अंदर जो हम फिलिंग भरेंगे वो बाहर निकले ना। और ये जो किनारी है उसे भी हम अच्छे से हाथों से प्रेस करके दबा देंगे, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। तो यहाँ पे समोसा बनके रेडी हो गया है। जो चिकन का हमने फिलिंग बना के रखी है वो इसमें फिल कर देंगे, अच्छे से फिल करना है।
क्योंकि हम अफ्तार के लिए बना रहे हैं तो अच्छे से फील करेंगे। और इस तरीके से ना देखें, एक प्लेट हम दे देंगे, क्योंकि हम मार्केट में जो बनते हैं ना समोसे खस्ता वाले, वो इसी तरीके से बनते हैं। तो एक खस्ता समोसा बना रहे ना क्रिस्पी वाले, इस तरीके से एक प्लेट लगा देंगे और फिर से पानी लगा के इसे स्टिक कर देंगे इस तरीके से, देखिए। और बहुत ही फटाफट से बन भी जाते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं जितने भी समोसे सब बना लूँगी, देखिए बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाते हैं ये, बस ध्यान से वीडियो को देखना है। तो जितने भी समोसा है ना सब मैंने इसी तरीके से बना लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ना स्टोर करके रखना है तो इस स्टेज पे आने के बाद ना आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, कोई भी कंटेनर में ऐड करके, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, एक मतलब लेयरिंग नहीं बनानी है, एक एक समोसा ही रखकर डिब्बे में पैक करके आप रख सकते हैं आराम से, 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होगा। तो इसे बारी आती है फ्राई करने की, तो तेल पहले से गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तेल जैसे गर्म होता है फ्लेम को लो कर देंगे, लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, तो एक एक समोसा स्पेस रख के ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी बनेगा बहुत ही अच्छे से। तो देखिए इसे मैं फ्राई कर रही हूँ, तो दोनों साइड से अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं अंदर तक ये पक गया है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बना है। तो वीडियो पसंद। अब हम बनाएंगे चिकन शाही रोल, जिसे कि हम चीज़ डालकर बनाएंगे, चीज़ की फिलिंग होगी अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी यहाँ पर रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। शादियों में आपने इस स्टार्टर्स को खाया होगा जो कि फेमस है, तो इसे हम ट्राई करेंगे अफ्तार के लिए, ये भी फटाफट से बन जाता है कम समय में, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने के लिए ना यहाँ पर एक मिक्सी का जार मैंने लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन, या चिकन का जो कीमा आता है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बोनलेस चिकन ले रहे हो तो छोटे छोटे क्यूब्स कट करना है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून जाएगी, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून जाएगा, और यहाँ पे हरी मिर्च मैंने दी है 3, आप चाहे तो थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। कुछ फ्रेश हरे धनिया के पत्तों को कट करके ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे 2 ब्रेड स्लाइसेस को ना मैंने पानी में भिगो कर रखा था, और इसका पानी अब निचोड़ देंगे हम, देखिए इससे ना बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होती है रोल की, तो इसे स्किप ना कीजिए। तो देखिए इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसमें डाल देंगे हम। 1 टीस्पून चाट मसाला इसमें जाएगा, और यहाँ पे मैंने लिया है बटर, तो 1 टेबलस्पून भर के बटर इसमें डाल देंगे और इसे पीस लेंगे, इसे फाइन पीस लेंगे। तो मैंने इसे पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, इसे एक बाउल में निकाल दिया है। तो रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक पॉलीथीन बैग, घर में अवेलेबल होता है, इसे कट करना है स्क्वायर में और 2 हिस्से में इसे हम कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो रोटी का आटा लिया जाता है ना, उतना ही हम चिकन का ये बैटर लेंगे और राउंड शेप दे देंगे इसे, और रख देंगे बीच में, सेंटर में रखना है। देखिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना है तो समझ में आएगा, ध्यान से देखना है। ऊपर से इस तरीके से जो पॉलीथीन बैग है ना वो डाल देंगे, और हाथों से प्रेस करके हल्के हाथों से इसे आगे बढ़ाते जाएंगे राउंड शेप देते हुए। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है। तो देखिए पतला सा मैंने इसे इस तरीके से आगे बढ़ाकर रोटी का शेप दे दिया है। अब चीज़ स्लाइस यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो चीज़ स्लाइस से बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रोल बनके रेडी हो जाता है, लपेटने में आसानी होती है। तो इस तरीके से देखिए वीडियो को ध्यान से देखना है, मैं लपेटते जाऊँगी आगे आगे, और ये फटाफट से बन भी जाता है। तो स्लाइस चीज़ अगर यूज़ करते हो आप तो बेटर होगा। इस तरीके से मैं लपेटूंगी और यहाँ पर रोल बन के रेडी हो गया है, अच्छे से इसे हम हाथों से प्रेस कर लेंगे, हल्के हाथों से करना है, और एक्स्ट्रा जो ये चिकन का है ना वो हम निकाल देंगे। अगर स्लाइस चीज़ आप यूज़ करते तो इसका फ़ायदा ये भी होता है कि सेम साइज़ के यहाँ पे रोल बन के रेडी हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया है और यहाँ पे हमारा रोल बन के रेडी हो गया है, फटाफट से बन जाता है जैसे मैंने बताया आप लोगों को। अब इसे हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में, ये तो मार्केट वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, एक बाउल में मैंने दिया था। अगर आपके पास नहीं है तो मिक्सी के जार में आपको डालना है ब्रेड स्लाइसेस, उसे मिक्सी में घुमा देना है तो बन जाता है ब्रेड क्रम्स, बहुत ही इजी है। यहाँ पे अंडे में थोड़ा सा नमक डालकर मैंने बीट कर लिया था, तो ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोटिंग करके अंडे में डीप कर देंगे। एक फ्राई पैन में पहले से मैंने ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था, और जैसे गर्म होता है फ्लेम को लो कर दिया था, और ये जो रोल हमने बनाए हैं वो इस तरीके से स्पेस रख कर ऐड कर देंगे। लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है, ये याद रखना है, क्योंकि चीज़ हमने डाला है तो, और ये कच्चा भी है ना चिकन, तो लो फ्लेम पर आराम से हो जाएगा। और ये देखिए चीज़ अंदर तक मेल्ट हो जाता है जब लो फ्लेम पर हम फ्राई करते हैं, तो ये हो चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन फटाफट से हो जाता है। तो जितने बचे हुए वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं कट करके बताती हूँ आप लोगों को,
बहुत ही ज़्यादा यम्मी यहाँ पे चीज़ रोल माउथ वाटरिंग रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। मुंह में घुल जाने वाले शाही रोल, चीज़ रोल, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है रगड़ा पैटीज की। रगड़ा तो हर घर में बनता ही है ना रमज़ान में अफ्तार के वक्त, तो पैटीज हम ट्राई करेंगे इसके साथ, जो कि स्ट्रीट फूड है ये। तो बहुत ही ईजी तरीके से हम बनाएंगे रगड़ा पैटीज, जो कि एक चाट है, अफ्तार के लिए तो ज़रूर ट्राई करना, परफेक्ट यहाँ पर रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसे बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर सफ़ेद वाला जो वटाना आता है ना, मार्केट में कोई भी इजीली अवेलेबल होगा, मतलब कि किराना शॉप में मिल जाएगा आप लोगों को ये। इसे भिगो कर रखना होता है। ये वाइट वाला जो वटाना होता है सफ़ेद वाला, वो आपको लेना है, ग्रीन वाला नहीं लेना है रगड़ा बनाने के लिए। तो इसे 300 ग्राम मैंने लिया था और इसे मैंने ओवरनाइट भीगने के लिए छोड़ दिया था, तो ये डबल हो चुका है। इसकी क्वांटिटी जैसे कि डबल हो जाती है, फुल जाता है ये काफ़ी, तो वो हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है, तो जितना आपको लेना है उतना आप ले सकते हो। इसे मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। इसे हमें बॉईल करना है। हाफ टी स्पून हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून के करीब ही मैंने डाला है, बाद में एडजस्ट कर सकते हैं नमक। अब यहाँ पे मैंने 2 ग्लास के करीब पानी डाला है, ये अच्छे से डीप हो जाए इतना पानी डालना है। उसी के साथ इसमें जाएगा जो बेसन होता है ना, वो 2 टेबलस्पून भर के डालना है। इसे स्किप ना कीजिए, इससे बहुत ही अच्छा मतलब रगड़ा बन के रेडी हो जाता है बेसन डालने से। और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। अब इसमें ऑयल वगैरह कोई भी चीज़ डालने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। मिक्स करके हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 सीटी आने तक, मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे, गैस के ऊपर रख देंगे इसे। अब रगड़ा हमारा बॉईल हो रहा है ना, तब तक हम जो पैटीज है ना उसकी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉईल आलू लिया है, देखिए 1/2 kg है। इसका कवर मैंने ऊपर का निकाल लिया है। तो आपको जितने पैटीज बनाना है उतने आप आलू यहाँ पे ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से ये पोटैटो जो मैश करने का स्पून होता है उससे अच्छे से मैश कर लेंगे, देखिए। या तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं खिसनी से। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले हम डाल देंगे तो इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी स्पाइसेस के लिए चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून के करीब, और उसी के साथ इसमें हम डालेंगे फ्रेश हरे धनिया के पत्तों को बारीक कट करके, वॉश भी करना है इसे अच्छे से। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने भुना कूटा जीरा डाला है। उसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, तो 1 टीस्पून भर के मैंने ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा नमक को। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हम डाल देंगे कॉर्न फ्लावर, इससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी और क्रिस्पी यहाँ पे टिक्किया जो है ना आलू की बनके रेडी हो जाएगी, जैसे कि पैटीज हम कह रहे हैं, पैटीज अच्छे से बनके रेडी हो जाएगी क्रिस्पी वाले, हाथ को ये चिपकता भी नहीं है। तो अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों के साथ आलू को, और यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। अब टिक्किया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है ऑयल से, ताकि ये चिपके ना। और थोड़ा सा हम लेंगे देखें ये बैटर, और अच्छे से राउंड शेप देकर इसके हम पैटीज बना लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, और रमज़ान में तो परफेक्ट अफ्तार के लिए है ये, तो ज़रूर ट्राई करना आप इसे। तो देखिए थोड़ी बड़ी साइज़ की मैंने बनाई है, आप चाहे तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर ना मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स, ये मार्केट वाला है। अगर आपको ब्रेड क्रम्स नहीं मिलता है या नहीं आता है बनाना, तो आप ब्रेड जो होता है ना, ब्रेड के स्लाइसेस जो बच जाते हैं घर में, तो उसे मिक्सी में पीस लीजिएगा, ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो जाता है। तो इसे मैंने देखिए ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोटिंग कर ली है पैटीज को, और एक प्लेट में मैंने रख दिया है जितने भी पैटीज है सबको बनाकर, और यहाँ पे हमारे पैटीज बन के रेडी हो गए। आप इस स्टेज पर आने के बाद इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, एक एयर टाइट कंटेनर में रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, बीच में पॉलीथीन का बैग या बटर पेपर भी आप रख सकते हैं जब आप इसे स्टोर करके रखोगे तो, लेकिन फ्रीजर में रखना है, नीचे नहीं रखना है फ्रिज में। अब इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, शेडो फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है इसे। तो देखिए लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, और ये फटाफट से हो भी जाते हैं फ्राई, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक ही हम इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा भी ओवर कुक नहीं करेंगे। अब ये क्रिस्पी तो बनेंगे क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्स लगाया है, तो क्रिस्पी बन जाएगी ये। और रगड़ा पैटीज में जो पैटीज होता है वो क्रिस्पी ही होता है, तो ही मज़ा आता है खाने में। तो एक साइड से जब हो चुका था तो मैंने इसे पलट दिया है, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। अब यहाँ तक आप आ गए हो वीडियो के, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़े की रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो लाइक करना तो बनता है ना, लाइक कर दीजिए फटाफट से। और चैनल पर अगर नए आए हो, पहली बार मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि मेरी हर आने वाली रमज़ान स्पेशल अफ्तार की रेसिपी या स्नैक्स की रेसिपी, जो कि ईजी तरीके से बनाई जाती है,
वो आप लोगों को इस चैनल पर देखने मिलेंगी आगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गई है कलर, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आया है। तो इसे मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में, और ये वाली पैटीज को आप बर्गर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा यम्मी लगेगा। बस बड़े साइज के बनाने हैं जैसे मैंने बनाया है, बर्गर में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा यम्मी होते हैं। और ये बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमारा जो रगड़ा हमने बॉईल करने रखा था वो भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, 3 सीटी मैंने लिया था। और देखिए ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे बॉईल होने रखोगे ना तो फटाफट से हो जाता है। और देख सकते हैं आप ये पूरे तरीके से बॉईल हो चुका है और इसमें पानी भी नहीं है। पानी इसमें थोड़ा सा होना चाहिए, बिल्कुल भी मतलब ज्यादा थिक नहीं करना है, रगड़े में थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा अगर ज्यादा थिक हो गया है तो, क्योंकि रगड़ा पैटीज के लिए जो रगड़ा होता है वो ज्यादा थिक नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ रगड़ा पैटीज, तो एक प्लेट में मैंने जो पैटीज है वो रख दिया है, एक और रख दूंगी मैं देखिए साइड में, और 3 पैटीज का यहाँ पे मैं रगड़ा पैटीज बनाऊंगी, मतलब प्लेट बनाऊंगी चाट की। अब यहाँ पे ऊपर से हम डाल देंगे रगड़ा इसके ऊपर, तो देखिए इस तरीके से हम डाल देंगे, और कुछ ड्राई मसाले ऊपर से डालेंगे चटपटे से, जिसमें कि लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से, उसी के साथ भुना कुटा जीरा जो होता है वो स्प्रिंकल करना है। स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई देता होगा सब वो इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं इसके ऊपर, और उसके साथ चाट मसाला थोड़ा सा डाला है मैंने। ये जो ग्रीन चटनी है पुदीने की, इसका लिंक आप लोगों को जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इमली की चटनी मैंने ऊपर से डाल दिया है, इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत ही ईजी है वो रेसिपी भी। और ऊपर से यहाँ पे मैंने पहले से कट करके रखा था प्याज, और बारीक कट करना है, और फ्रेश हरे धनिया के पत्तों को भी बारीक कट करना है, और ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे। और यहाँ पे बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी जैसे कि रगड़ा पैटीज बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में हमने बनाया है, बिल्कुल मुंह में पानी आने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना अफ्तार में, रमज़ान के वक्त ज़रूर ट्राई करना। आई होप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ गिव मी बिग थम्स अप, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हमारी नेक्स्ट रेसिपी है क्रिस्पी ब्रेड रोल की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। आलू की फिलिंग भर के हम इसे बनाएंगे बहुत ही कम समय में, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, फटाफट से बन जाती है, तो अफ्तार के लिए परफेक्ट डिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड रोल बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर लिया है आलू, बॉयल आलू यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, तो 4 आलू मैंने लिए हैं। इसे बॉयल किया था, ऊपर का कवर निकाल दिया है, और इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए इसमें पीसेस नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से हम मैश कर लेंगे। आप चाहे तो खिसनी से ग्रेड भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस हम डाल देंगे, जिसमें कि मैं सबसे पहले डालूंगी शिमला मिर्च, तो एक शिमला मिर्च मैंने लिया था, इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है। उसी के साथ एक प्याज लिया था मीडियम साइज की, उसे भी मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। जितनी भी चीज़ें हैं सबको बारीक चॉप करना है। अब यहाँ पे हरी मिर्च मैंने 2 लिया था, इसे भी बारीक बारीक कट कर लिया था, वो भी ऐड कर दिया है। कुछ ड्राई मसाले जाएंगे, जिसमें कि भुना कुटा जीरा 1/2 टीस्पून मैंने डाला है, उसी के साथ चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून के करीब डालेंगे, और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब ही डालेंगे। उसी के साथ यहाँ पर हम लेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेश हरे धनिया के पत्ते, इसे बारीक कट करके वॉश करके ऐड कर दिया है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। अब सब चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। देखिए तो यहाँ पर बहुत ही फटाफट से हमने बनाया है ब्रेड में डालने वाली जो फिलिंग है, तो ब्रेड की फिलिंग यहाँ पर रेडी हो गई है रोल्स की। अब यहाँ पर हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस, तो मैंने यहाँ पर 6 स्लाइसेस लिए हैं, और इसके जो किनारी है ना हमें कट करना है, इस तरीके से नहीं यूज़ होगा ना, किनारी कट करना पड़ेगी तो ही ब्रेड रोल्स हमारे बनेंगे। तो साइड के जो किनारे हैं वो हम नाइफ के हिस्से से कट करके निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से कट करना है, और जितने भी ब्रेड स्लाइसेस मैंने लिए थे सबकी किनारियाँ मैंने कट कर दी है, और ये फेंकेंगे नहीं, इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, मिक्सर में घुमा देंगे तो ब्रेड क्रम्स बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने जितने भी स्लाइसेस है सबकी किनारियाँ निकाल कर रख दी है। अब बारी आती है ब्रेड रोल बनाने की, तो सबसे पहले हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि जो आलू है ना वो चिपकता है हाथों को, तो अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और इस तरीके से हम थोड़ा सा ये फीलिंग लेंगे हाथों पर, और इस तरीके से रोल बनाएंगे, राउंड शेप देकर ओवल शेप बनाना है। और देखिए जितने भी मतलब मैं यहाँ पे 6 बना रही हूँ ना, तो 6 मैं यहाँ पर बना लूँगी,
अब यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल में पानी और ये जो ब्रेड स्लाइसेस हमने जो किनारी कट करके रखा है इसमें डिप कर देंगे और निकाल लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, फटाक से निकाल देना है और एक्स्ट्रा पानी हाथों से इस तरीके से प्रेस करके हम निकाल देंगे। देखिए पानी इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए, हल्के हाथों से प्रेस करना है ताकि ये जो स्लाइस है वो टूट भी ना पाए और पानी भी निकल जाए। अब ये जो रोल हमने बना के रखा है वो इस तरीके से हम रख देंगे सेंटर में और लपेट देंगे, इसे ब्रेड से कवर कर लेंगे अच्छे से। देखिए हल्के हाथों से करना है तो ये हो जाता है आराम से। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है तो ही समझ में आएगा किस तरीके से मैं बना रही हूँ रोल। देखिए एडजस्ट करना पड़ता है ब्रेड को, ब्रेड स्लाइसेस को, जहाँ कम पड़ रहा है वहाँ पर। और देखिए जितने भी स्लाइसेस हैं सबके मैंने रोल बना लिए हैं इस तरीके से। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो ऑयल पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसे डीप फ्राई करेंगे हम, तो बहुत ज़्यादा भी ऑयल नहीं डालना है, मैंने देखिए कितना डाला है। और जैसे ऑयल गर्म होता है फ्लेम को लो कर देंगे, ये जो ब्रेड रोल हमने बना के रखा है वो डाल देंगे। गोल्डन कलर आने तक इसे हम एक साइड से फ्राई कर लेंगे, जैसे गोल्डन कलर आता है इसे पलट देंगे और ये फटाफट हो जाता है फ्राई। तो इसके लिए ध्यान रखना है, मतलब ऐसे छोड़कर इसे नहीं जाना है फ्राई होने के लिए छोड़कर, नहीं तो जल जाएंगे। तो इसके लिए ना एक साइड से हो जाएगा तो फटाफट इसे हम पलट कर दूसरे साइड से भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर आप कर सकते हैं इसे फ्राई। तो देखिए बहुत ही यहाँ पे यम्मी रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं मेयोनीज के साथ, टोमेटो केचप के साथ, या ग्रीन वाली जो पुदीने की चटनी आती है उसके साथ, बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। तो जितने भी रोल्स हैं सबको मैं फ्राई करके निकालूंगी इस तरीके से। और आप ना इन ब्रेड रोल को स्टोर करके भी रख सकते हैं अगर आपको अभी फ्राई नहीं करना है तो। जब हमने ब्रेड रोल बनाया, मतलब फिलिंग को भर दिया था, ब्रेड को लपेट दिया था आलू में, आलू को लपेट दिया था ब्रेड में, तो उस स्टेज पर आने के बाद जब रोल बन जाता है ना तो आप उसे फ्रीजर में रखना, तो आप जब बनाना है तब निकाल लेना आधा घंटा पहले, तो आराम से वो फ्राई भी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी ब्रेड रोल बनके रेडी हो जाते हैं, तो ज़रूर ट्राई करना। वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पकौड़े, जिसे कि हम बनाएंगे स्प्रिंग ऑनियन से। जी हाँ, स्प्रिंग ऑनियन से बहुत ही मजेदार आलू के पकौड़े, क्रिस्पी पकौड़े बनके रेडी हो जाते हैं। पकौड़े ये तो हर घर में बनाए जाते हैं, तो कुछ यूनिक ट्राई करेंगे। बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है, स्प्रिंग ऑनियन पकौड़ा, हरी प्याज की जो पत्ती आती है उसके पकौड़े बनाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी, उसी तरीके से आप लोगों को भी फॉलो करना है। आपने खाए होंगे जो आलू। तो पकोड़े बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर लिया है सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारा जो है वो है स्प्रिंग अनियन। तो ये तो आप लोगों को मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। और आप लोगों को ना इसे अच्छे से सबसे पहले करना है वॉश। वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है, तो 4-5 पानी से वॉश करना है। फिर इस तरीके से ऊपर वाला जो प्याज का हिस्सा है ना, वाइट वाला पार्ट, वो कट करके अलग करना है। और जैसे कि बड़ी प्याज भी आती है इसके साथ लगी हुई, या छोटी भी आती है, तो डिपेंड करता है कि किस टाइप की आपने प्याज ली है। बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वो इस पकोड़े में यूज़ नहीं करना है, तो जैसे मैंने लिया है मीडियम साइज़ की, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ी सी इसमें से प्याज लूँगी क्योंकि इतने ज़्यादा पकौड़े मुझे यहाँ पर नहीं बनाने हैं। और देखिए मैंने अलग कर लिया है वाइट पार्ट को और ग्रीन वाले पार्ट को अलग अलग। अब यहाँ पर मैं एक सीजर की हेल्प से इसे कट कर रही हूँ। ये याद रखना है कि इसे बारीक बारीक कट करना है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं कट करना है, नाइफ की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। तो जितना बारीक कट करोगे ना आप, उतने ज़्यादा क्रिस्पी यहाँ पे पकौड़े बनके रेडी हो जाएंगे, क्योंकि अंदर तक वो गल जाएंगे और फ्राई हो जाएंगे। तो इसके लिए जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, तो वो मैं स्प्रिंग अनियन का अच्छे से कट करूँगी बारीक। और मैंने अपने चैनल पर ना बहुत सारे रमज़ान स्पेशल अफ्तार, मतलब अफ्तार में आप बना सकते हो, वो रेसिपीज़ अपलोड की हूँ। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, जितनी भी रेसिपीज़ है सब इजी तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि रमज़ान में अफ्तार के वक्त टाइम नहीं होता है हमारे पास कोई भी चीज़ें बनाने का, क्योंकि रमज़ान में इबादत की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ किस तरीके से रेसिपीज़ बना सकते हो आप लोग, तो वो मैंने शेयर किया है, तो ज़रूर जाकर वॉच कर सकते हो आप लोग। और देखिए यहाँ पे जो वाइट वाला पार्ट है ना, वो भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। ग्रीन वाला मैंने जैसे कि कट कर लिया है सब, वाइट वाला भी कट करेंगे। वाइट वाला कट करोगे तो ऊपर का जो कवर है वो निकाल देना है और फिर इसे कट करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा बारीक बारीक ही कट करना है, बड़ा नहीं रखना है, नहीं तो ये गलेगा नहीं, गलने में प्रॉब्लम हो जाती है, अच्छे से कुक नहीं होता है इसके लिए। तो इसे भी हम नाइफ की हेल्प से बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ करेंगे जिससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी यम्मी यहाँ पे पकौड़े बनके रेडी हो जाते हैं। तो मैंने एक आलू लिया है, आलू का ऊपर का
कवर जो है वो मैंने निकाल लिया था और वॉश कर लिया इसे अच्छे से मैंने। और इस तरीके से हम पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे। देखिए जितना बारीक हो सके उतना बारीक आपको यहाँ पे आलू को कट करना है। अब बहुत सारे लोग बनाते हैं ना स्प्रिंग अनियन के जो पकोड़े, तो उसमें ये आलू नहीं डालते हैं, लेकिन आलू डालोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी यहाँ पे पकोड़े बन के रेडी हो जाते हैं और क्रिस्पी भी लगेंगे। तो इस तरीके से हम इसे कट करेंगे। देखिए अगर बड़ा आप रखोगे तो गलेगा नहीं, गलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम आलू के पकोड़े नहीं बना रहे हैं, स्प्रिंग अनियन पकोड़ा बना रहे हैं। इसमें ये हम ऑप्शनल डाल रहे हैं, अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है ये। तो मैं देखिए एक आलू लिया है, एक बंच मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन लिया था, ये बताना मैं भूल गई, सॉरी। तो देखिए इस तरीके से बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है आलू को भी। और जब तक मैं आलू को कट कर रही हूँ तब तक फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो वीडियोस तो वॉच करते हैं डेली बेस पर, लेकिन सब्सक्राइब करने में क्या जाता है पता नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्या जाता है ना सब्सक्राइब करने में, रेड वाला बटन दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा बेल आइकन को, तो मेरी हर आने वाली जो रेसिपी है इजी तरीके से जो मैं बताती हूँ आप लोगों को वो आसानी से मिल सके, आपका ही फायदा है इसमें, क्योंकि नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाता है ना अगर बेल आइकन आप प्रेस करते हो तो। अब देखिए मैंने ना जितने भी चीज़ें जैसे कि आलू है, स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट है, वाइट पार्ट है, सबको मैंने कट कर लिया है बारीक बारीक अच्छे से। एक अब यहाँ पर स्पाइसेस के लिए मैंने दो हरी मिर्च लिया था, तो हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया है, जितना बारीक हो सके उतना बारीक कट करना है। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी आप खाते हो तो। और यहाँ पे नमक मैंने डाला है हाफ टी स्पून के करीब, नमक भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक चुटकी डाला है हींग, तो हींग लाजमी डालना है, इसमें बदहजमी नहीं होती है इससे। एक चुटकी मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है हाफ टी स्पून के करीब, हल्दी पाउडर डाल देंगे और हाफ टी स्पून के करीब ही हम डालेंगे धनिया पाउडर, ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं इसमें। अब यहाँ पे मैंने दो टेबलस्पून भर के राइस फ्लार लिया है, मतलब कि चावल का आटा, इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हमारे यहाँ पे पकौड़े बनके रेडी हो जाएंगे। इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, अगर राइस फ्लार आपके पास नहीं है मार्केट वाला तो राइस को पीस लीजिएगा मिक्सी के जार में तो बन जाएगा राइस फ्लार। अब यहाँ पे मैंने लिया है चार टेबलस्पून भर के जो बेसन होता है ना, नॉर्मल बेस पर जो यूज़ किया जाता है वही बेसन है रेगुलर, तो वो मैंने चार टेबलस्पून भर के लिया है। अब यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है सब लोगों को कि टेबलस्पून किसे कहते हैं, तो बड़ा वाला जो स्पून होता है उसे टेबलस्पून कहा जाता है और छोटा वाला जो होता है उसे टीस्पून कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग अनियन है ना इसी का पानी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, उसी में ये सब चीज़ें आप आराम से मिक्स कर सकते हो, हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करते वक्त आप चाहे तो ग्लव्स का भी यूज़ करते हैं, लेकिन हाथों से ही मिक्स करना है जब भी आप पकोड़े बनाते हो तो ही अच्छे से मिक्स होता है जो हमारा बैटर है वो, स्पून से नहीं करना है, बहुत सारे लोग स्पून से करते हैं लेकिन वो बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये मतलब मिक्स किया है हमने, तो ज़्यादा मतलब यहाँ पे बेसन जो है ना, बेसन की क्वांटिटी मैंने जितनी बताई है ना उतनी ही रखना है, नहीं तो स्टार्टिंग में आप बेसन ज़्यादा डाल दोगे फिर बोलोगे कि दी देखिए पकोड़े जो है वो क्रिस्पी नहीं बने हैं तो सॉफ्ट बने हैं, तो यहाँ पे बेसन जितना कम रखोगे कम यूज़ करोगे उतने यहाँ पे क्रिस्पी पकोड़े बनके रेडी हो जाएंगे। बस मिक्स होने के लिए ही बेसन यहाँ पे इस्तेमाल होगा, मतलब बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए इसलिए हम बेसन इस्तेमाल करते हैं या राइस फ्लार इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हल्के हाथों से ही इसे लेंगे हम और इस तरीके से छोटे छोटे पकौड़े डालेंगे। ऑयल पहले से ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, बहुत ज़्यादा भी ऑयल को गर्म नहीं करना है हमें, ऑयल जैसे गर्म होता है फ्लेम को लो कर देंगे और इस तरीके से स्पेस रखकर हम पकोड़े डाल देंगे, छोटे छोटे डालना है, ज़्यादा बड़े नहीं डालना है, छोटे डालोगे तो ही अंदर तक कुक हो जाएगा नहीं तो कच्चे लगेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे और पकोड़े डालने की भी एक ट्रिक होती है जैसे मैंने बताया वैसे ही डालना है, हल्के हाथों से डालना है, हाथों को मतलब प्रेस करके लड्डू बना के नहीं डालना है, नहीं तो शेप को तो नहीं देखिए, पकोड़े में शेप को नहीं देखा जाता है किस शेप के पकोड़े बन रहे हैं, कोई भी शेप चलेगा लेकिन प्रेस करके हाथों से बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, हल्के हाथों से डालना है तो ही क्रिस्पी बनेंगे, अंदर तक ये पक जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग गोल गोल पकोड़े बनाने की कोशिश करते हैं तो वैसा नहीं करना है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे पकोड़े हमारे बनके रेडी हो गए, गोल्डन कलर आने तक मैंने इसे पेशेंस रखकर अच्छे से फ्राई किया है देखिए लो फ्लेम पर, और यहाँ पे बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े बनके रेडी हो गए हैं, और ये ऊपर से इतने ज़्यादा क्रिस्पी थे अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे रेसिपी अफ्तार के लिए बनके रेडी हो जाती है। काश मैं आप लोगों को खिला पाती है पकोड़े, तो डोंट वरी आप अपने घर पर बनाइए और खाइए, ऐसे ही बनेंगे स्टेप बाय स्टेप, बस फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई आसान से रेसिपी के साथ, रमजान स्पेशल रेसिपी के साथ जिसे आप अफ्तार में ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़।